पास 140 चेन से 140 चेन से 35 चेन इधर फ्रंट के लिए 35 इधर फ्रंट के लिए छोटी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 35 फ्रंट के लिए, और ये यहाँ से ये यहाँ तक 70 चेन्स बैक के लिए, और 35 चेन्स फ्रंट के लिए हमने इसको किया है। और ये देखें, और ये मैंने नेक की कटिंग यहाँ पे करके रखी है। और ये पैटर्न जो हमने वर्क यहाँ से स्टार्ट करना, हमारी बैक साइड से वर्क स्टार्ट होना था, तो अब मैं दूसरी साइड से आपको कटिंग का तरीका बताती हूँ। अब यहाँ से ये देखिए, ये जो पॉइंट था यहाँ पे 35 चेन से, इसको ये जो पैटर्न है इस पैटर्न को स्किप कर देंगे, और जो डबल क्रोशिया थे इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाने के, यानी 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाने के। ये हमारी आर्म होल वाली साइड है, यहाँ पे सिर्फ इसको ऐसे ही रखना है, यहाँ पे कटिंग नहीं होनी है हमारी। अब इसी तरह से पैटर्न को रिपीट करना है। फर्स्ट ये 2 रो इसी तरीके से बनेगी जिस तरह हम बनाए थे, पैटर्न को रिपीट करना है। फिर थर्ड रैंड से हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। ये 2 रोज को इस पैटर्न से रिपीट करते हैं। ये देखिए, ये 2 रोज ये पैटर्न मेरा बन के रेडी हुआ है। अब यहाँ से थर्ड रो से हमने अपनी कटिंग करनी है, कटिंग स्टार्ट करनी है। अभी यहाँ से स्टार्ट करके रो को यहाँ तक लेकर आते हैं, फिर मैं आपको कटिंग बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे अभी जो लास्ट का पैटर्न था, यह पैटर्न में हमने 1 चेन को स्किप करना है, और जो लास्ट में 2 डबल क्रोशिया इसको एज इट इज ऊपर तक इस तरह रखना है। अभी देखिए, ये देखिए 1 और ऊपर इस तरीके से, इस चेन को स्किप कर देना है। अब ये लास्ट में 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे, वर्क को टर्न करना है। 1 2 चेन देखिए, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, और अब ये यहाँ से इसको स्किप करके इसके ऊपर डबल क्रोशिया, और इस पैटर्न को अब इसी तरीके इस पैटर्न को रिपीट करके यहाँ से थर्ड रन को वापस यहाँ पे आते हैं। बाकी पैटर्न एज इट इज देना है। हर रो में हमने यहाँ पे 1 चेन को स्किप करना है, हमारे नेक की कटिंग स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी। देखिए इस तरीके से इसको यहाँ तक इधर पैटर्न पे आए। अब यहाँ पे जो 1 थी इसको स्किप करके लास्ट में 2 डबल क्रोशिया, इस तरीके से डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 2 चेन लेके वर्क को टर्न करना है, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, और अब ये इसको स्किप करके ये 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये भी डबल क्रोशिया, बाकी पैटर्न एज इट इज रहेगा।
ये नेक की कटिंग स्टार्ट होनी शुरू हो गई। इस तरह हर रो में हमने वन वन चेन को स्किप करते जाना है। अब आगे से पैटर्न को एज इट इज़ बना कर यहाँ से यहाँ तक दोबारा आती हूँ। ये देखें इस तरीके से यहाँ पे है यहाँ तक, और अब ये इसको स्किप करके टू डबल क्रोशिया बन जाएगा। टू चेन को टर्न करना है डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, इसको स्किप करके यहाँ पे फोर डबल क्रोशिया बन जाएंगे। ये नेक की कटिंग इसी तरीके से पैटर्न को रिपीट करते हुए इसको यहाँ तक देखिए वन पैटर्न, और सेकंड जो है हाफ सेकंड पैटर्न जो हाफ यहाँ तक इसको बना के इसको कटिंग कर लेंगे। यानी कि यहाँ पे हमने इसको अपने आर्म की जो 8 इंच हमने यहाँ पे अपने आर्म होल की लेंथ रखनी है उसके मुताबिक अपने नेक की एंड तक कटिंग कर लेते हैं। फिर कटे के बाद मैं आपको ज्वाइन करती हूँ। ये देखें इस तरीके से मेरी ये देखें नेक की कटिंग मेरी बन के रेडी हो गई है। ये देखिए मेरा आर्म होल की लेंथ भी मेरी 8 इंच की तैयार हो गई है। अब यहाँ से बैक साइड को बनाना है, इसको भी बैक साइड से हमने वर्क को स्टार्ट करना है। यहाँ पे ये देखिए ये पैटर्न था, हमने ये पैटर्न स्किप किया था, इस पैटर्न को भी स्किप कर देंगे, यहाँ से अपने वर्क को स्टार्ट करेंगे। बाकी पैटर्न हमारा एज इट इज ही रहेगा, और इसी तरीके से इसको पूरा अपने यहाँ के मुताबिक यहाँ तक लेंथ बनाकर रेडी कर लेंगे अपनी बैक साइड की। ये देखिए ये पैटर्न स्किप किया था यहाँ पे, इसको यहाँ पे स्किप करके यहाँ से इसी तरीके से इसको बनाते हुए देखिए यहाँ से स्किप करके यहाँ तक बनाते हुए इस तरह आएंगे, और यहाँ से भी इसको इस पैटर्न को रिपीट कर स्किप करके यहाँ तक इसको बनाना है, और इसी तरीके से इसे कंप्लीट करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टोटल 14 रो को बना के बैक साइड को कंप्लीट करना है। और उसके बाद इसको ऊपर से कंधों को हम स्लाइस से ज्वाइन कर लेंगे। एक साइड मैंने रेडी कर ली है बना के, अब सेट का मैं आपको तरीका बताती हूँ। देखिए इसको यहाँ से इधर से यहाँ से सेंटर से हमने स्टार्ट करना है। पहले हमने ये सिंगल कलर से इस वाले कलर से शेप देंगे। देखिए अब हमने हर स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरीके से हर स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया लेके फिर राउंड को कंप्लीट करना है, और देखिए पूरे राउंड को कंप्लीट करके यहाँ तक आके इसको ज्वाइन करना है, और फिर इसके ऊपर एक और रो को रिपीट करना है। ये देखिए इस तरीके से मेरी फर्स्ट रो बनके कंप्लीट हो गई है। इस तरीके से अब इसी के ऊपर सेकेंड रो बनानी है। देखिए वन चेन लेके हाफ डबल क्रोशिया,
इस तरीके से सेकंड रो को पूरा कंप्लीट करना है। इस तरीके से टू रो बन के मेरे आर्म होल की रेडी हुई है। अब हमने यहाँ पे फैंसी रूम का यूज़ करना है। ये देखिए इस तरीके से, ये इस तरह से एक फैंसी सी वूल है। इससे अब इसको साइड पे अपना बॉर्डर बनाना है। उसको भी बनाना बहुत आसान है। देखिए इसको भी इस तरीके से ये स्लिप नोट लगानी है। स्लिप नोट लगाने के बाद इसको यहाँ से फिर वर्क को स्टार्ट करेंगे। ये हाफ डबल क्रोशिया ही बनाना है। तरीके से सिंपली इसको बनाते जाएंगे। इस तरीके से ये दोनों साइड पे फर्सी हमारी बननी शुरू हो जाएगी। इसको इसी तरीके से बनाते हुए कंप्लीट करते हैं। ये देखिए इस तरीके से मेरे बाजू की मेरे आर्म होल कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने फ्रंट साइड को भी इसी तरीके से रिपीट करना है। ये देखिए ये यहाँ से फ्रंट साइड से इसको यहाँ से भी अब वर्क को स्टार्ट करना है। हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तरीके से इसको बनाते ही यहाँ तक आते हैं। ये देखिए इस तरीके से रो पूरी करते हुए यहाँ पे हम इधर नेक के ये कॉर्नर पे आए हैं। और यहाँ पे हमने एक ही स्टिच में थ्री टाइम हाफ डबल क्रोशिया लेना है अपने नेक की शेप देने के लिए। अब आगे से पैटर्न ऐसे ही रहेगा। इसी तरीके से रिपीट करते हुए इधर आएंगे और इसकी यहाँ पे इस साइड पे दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से यहाँ पे थ्री एंड हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं और रो को रिपीट करते हुए इस तरीके से ये यहाँ तक एंड तक इसको बना लेंगे। और उसके ऊपर एक और हाफ डबल क्रोशिया की लानी है। टू रोज दे भी हाफ डबल क्रोशिया की बनानी है। डबल क्रोशिया लेके कंप्लीट करेंगे।
सिंपली इसको इस तरीके से करते हुए पूरा डबल क्रोशे से कंप्लीट करते हैं।